नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, नमो इम्पैक्ट में हम भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद से मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ गंभीर विषय हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अभी जो है जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, थोड़े दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति में एक तरीके से ओतप्रोत है पूरा देश और सभी सनातनी हिंदू। लेकिन एक घटना भी हाथरस की हुई, जिसमें एक बाबा प्रवचन दे रहे थे जो अपने आप को नारायण, हरि और साकार सब कुछ बोलते हैं। उसमें 125 जो श्रद्धालु थे, भक्त थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में इतनी यात्राएं, इतनी बड़ी संस्कृति, देवी देवता सब कुछ, बावजूद उसके जो बाबा हैं जिनके मामले भी बीच बीच में उठते रहते हैं, हालांकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ सब बाबाओं पे लागू नहीं होती, पर इस प्रकार के कुछ बाबा, और जिससे कि कुछ फ़ायदा तो नहीं होता लेकिन समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा समाज इतना बड़ा है और हजार साल की जो गुलामी के कारण हमारी जो शुद्ध चीज़ें थी वो दब गई, और उसके कारण से अंधविश्वास, भ्रम और भय इतना फैला, क्योंकि इस्लामिक राज में 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद 17वीं-18वीं तक तो बोल रहा, और फिर अंग्रेज़ों ने आके हमें एक सिद्ध कर दिया, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, जो उन्होंने लिख दिया और हमने स्वीकार किया। हमारी सनातन परंपराओं के अंदर भी कुछ क्षीणता आ गई। भक्ति युग में अच्छे संत हुए, सभी जातियों के हुए, तुलसीदास, कबीर साहब, रहीम, रसखान, नानक बाबा, ये सब 14वीं-15वीं शताब्दी में जब हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे इस्लामिक आक्रांताओं का, जिहादियों का, उस समय उन्होंने हमें थोड़ा सा लो प्रोफाइल करके जिंदा रखा। अब जो ये चल रही है, एक तरफ आज भी सो कॉल्ड इंडी अलायंस में कैंसर है सनातन, करोना यह है, डेंगू है, पता नहीं क्या क्या नाम दे के साउथ इंडिया में सनातन परंपराओं को समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहा है पिछले 70-80 साल से। उनको ये भ्रम डाल दिया, तुम द्रविड़ हो, तुम अलग से हो, और एक नेकर हुए, उन्होंने तो राम को जूते मारने और ये सब दुस्साहस किए। इतनी देर में हमारे उत्तर भारत के अंदर ये कि नया कल्ट, पहले संत होते थे, रविदास जी ने कोई अपने आप को भगवान नहीं कहा कभी, संत तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन बाबा जो बन गए कि वो, मैं उनको संत कोई भी लिखने के लिए एंटाइटल नहीं होता था। महामंडलेश्वर के लिए योग्यता होनी ज़रूरी थी, कितना पढ़ा हो। आज ये जो आ गए, जैसे आपने जो नाम बताया, किसी की भारत की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, CID क्या करती रही बरसों, ये तो पुलिस अफसर भी रहा हुआ छोटा मोटा, और इसने अपने आप को धीरे धीरे जो नारायण, साकार और क्या क्या नाम रख लिए, 20 आश्रम बना दिए, हजारों करोड़ रुपए, और सारे भोले भाले एक जाति विशेष के लोग, ज़्यादा जाटव, जिनको जो अंबेडकरवादी नहीं बने, जो अतुल रविदास ही अपने आप को मान के चले, उसके अंदर ये छा गए। जैसे एक दिल्ली हरियाणा का एक बाबा रामपाल है, जेल में है, रोज़ प्रवचन आते हैं TV पे, साधना पे, इस पर। मैंने एक दिन पूछा भी साधना वाले कि ना जी, हमें तो पेमेंट आती है, पुराने रिकॉर्डेड हम चला रहे हैं, मैं इसके नीचे ही लिख दो, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक, तो नीचे लिख दो ये बाबा जेल में है। प्रवचन सुनना हानिकारक नहीं, नहीं, ये बाबा जेल में, इतना तो दे दो, हानिकारक भी मत लिखो। अब ये तो लिख दो कि बाबा, ये श्री श्री, ये बाबा जेल में, वो ऐसे राम रहीम क्या है, ये सारे लोगों को ग्लोरीफाई करने वाला कौन है? मीडिया जिनको ख़राब भी बता रहा है, ग्लोरीफाई भी कर, और पॉलिटिकल लोगों को जिनके फॉलोअर अगर 10-20-50 हज़ार हो गए, उनको सारे के सारे मत्था टेकने जाते हैं। वही बात जो आपने कहा, पॉलिटिकल व्यक्ति, किसी ने भी बाबाओं की आलोचना नहीं की, इस तरह के बाबाओं की, हाथरस वाली घटना पर किसी ने बाबा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, किसी प्रकार का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, जो उनके नीचे जो आयोजक थे, कुछ थे, उनको आरोपी बनाया गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमें 2015 के चुनाव में जब किरण बेदी जी को डिक्लेयर किया, एक किस्म से आदेश आया कि सब के सब ग्रेटर कैलाश जाओ, और ये बाबा जो राम रहीम क्या है, नाम भी लंबा चौड़ा, और इससे आशीर्वाद लेने सब
चुनाव लड़ने वाले जाएंगे। मगर जी ये क्यों? मैंने उसी दिन बता दिया कि तुम दिल्ली में सिख वोट तो आज से तुम्हारा जीरो, और मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे हारने जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों मैं जिसको जानता हूँ और मैं अच्छा नहीं मानता, मैं आशीर्वाद लेने नहीं जाऊँगा। शायद दो चार हम लोग नहीं गए, बाकी गए, केवल वोटों के लिए कोई काम करना उचित नहीं, और लोग बुरी तरह हारे, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने का जिस पर आरोप है, पर हरियाणा सरकार उसको VIP ट्रीटमेंट दे, उसको फरलो बार बार दे, जेल में रहते हुए हर दूसरे तीसरे महीने 10 दिन 20 दिन बाहर आ रहे हैं, क्यों तमाशा है? ये तो आप साफ गोई से बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल राजनीति की। मैं पॉलिटिकल होते हुए, मैं BJP का होते हुए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ हरियाणा सरकार की पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सारी जाँच 7 दिन में पूरी भी कर दी, कल 7-8 अफसर सस्पेंड भी हुए, परंतु खुल के जितना बोलना चाहिए ना, मुलायम सिंह के आदमी बोल रहे, ये क्या नाम है, अखिलेश यादव, एक थोड़ा राजभर जरा सा बोला, या मायावती खुल के बोली, ये व्यक्ति लोगों को, गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन लोगों का भगवान बन के, और ये कहते हैं हम चंद उसका एक इसके पीछे कारण और समझ में आता है डॉक्टर साहब, महिलाएं जो हैं ज़्यादा थीं जो जाती हैं इस तरह, इसके दो कारण हैं, एक तो जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, सोचते हैं झाड़ फूंक से बाबा की धूल, चरणों की धूल लेनी थी और ये लगता है कि बीमारियाँ कष्ट वो दूर हो जाएंगे, तो एक तो अज्ञानता, अनपढ़ता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और दूसरा महिलाओं को जिस परिवेश में बांध के रखा जाता है, तो ये सब मुझे ऐसा कारण। तो जी जो आप कह रहे हैं ये सारी अज्ञानता, भ्रम से अज्ञान एक ही बात है, ये छोटे रास्ते से ज़्यादा जल्दी ठीक होना है। स्वास्थ्य सेवाओं की, पर स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी कम नहीं है कि उनके पीछे जाएँ, बर्मे लगा रखे, बर्मे का पानी पीने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और एक चेन दिखाई TV पे दस्यों भाई, ये सारे पत्रकार कहाँ थे 20 साल, उनको पहले नज़र क्यों नहीं आया उनकी, अगर 2-2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, बर्मे तो आज तो नहीं लगे वहाँ, अगर वो धूल लेने से ठीक होता रहे, वो एक वकील जो TV पे बैठ के बोल रहा है, क्या संज्ञान क्यों नहीं ले रहे चीफ जस्टिस साहब, AP सिंह साहब आप कैसे बोल रहे हैं, ये किसी से पैसा नहीं लेता, ये किसी को ये कहता ही नहीं मेरी धूल ले लो, अरे चौड़े में धूल दे रहा है, चौड़े में आशीर्वाद दे रहा है, और तुम्हारा एक AP सिंह साहब बैठ के जो निर्भया कांड में भी कल्प्रिट का वकील था, वो आज ग्लोरीफाई हो रहा है, खुद वकील ही, कानून को तोड़ने वालों का साथ देने वाला व्यक्ति TV पे बैठ के ये कहे कि बाबा किसी से पैसा नहीं लेता, उसे ना बोलो बेशक, लेकिन जो उनके जो कार्यकलाप हैं वो इस बात को इंगित करते हैं। नहीं मैं पैसा नहीं आ रहा, जो आश्रम कैसे बन गए 25-25 एकड़ के, 33 गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ, क्यों नहीं अब तक जब्त हुई, बुलडोज़र बाबा आदित्य योगीनाथ जी का तो चल जाएगा मुझे लगता 2-4 दिन, परंतु बुलडोज़र की बजाय उनको टेक ओवर करो, वहाँ पंचायत की और बाकी कम्युनिटी सेवाएँ शुरू कर दो, जितने आश्रम हैं जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स जनता के हैं ना, जनता का मतलब सरकार का। मैं इसमें और थोड़ा खुल के कहना चाह रहा हूँ, अगर इन बाबाओं को ख़त्म करना है वो सरकार का दायित्व, 2-3 सरकारों ने एक्ट भी बनाया था महाराष्ट्र में, गुजरात वगैरह में, कि ऐसे बाबा जो भ्रमित करेंगे, टोना टोटका करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक्ट बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो एक मजबूत मुख्यमंत्री है जो किसी से दबने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि ये सारी में बुलडोज़र चला के इनको समाप्त करने के नहीं कह रहा, इनको सरकार ले ले और समाज के अच्छे लोगों की समितियां बना के उनका उपयोग समाज हित में हो, वहाँ अच्छे अस्पताल खोल दो, अच्छे विद्यालय खोल दो, परंतु ऐसे बाबाओं को अब तक गिरफ्तार करके, और इस टाइप के जो भी हैं, ऐसे बहुत मुस्लिम में हैं जो टोना टोटका करते हैं, ईसाई में हैं जो रोज़ाना वो लगाते चंगे जो बाकायदा वो बना रखे हैं, एक दिन दिखा रखा पंजाब, किसी भी धर्म में हो कुछ भी हो, इस टाइप के बहुत लोग हैं जो फ्रॉड हैं, जो कलंक हैं, जो बदनाम करते हैं अच्छे लोगों को, उन सबको बहुत तेज़ी से मोदी जी से, शाह जी से, योगी जी से और सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे पापियों को, ऐसे दुष्टों को, उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दें, और इनके पास जितना भी फौज बना रखी है, 3 टायर, गरुड़ सेना, ये सेना, वो सेना, ड्रेस बना रखी है, सबका आइडेंटिटी कार्ड बना रखी है, इसमें मैं ये सारी की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, ये CID क्या कर रही थी, जब मेरे को रिक्रूट करके मुझे बकायदा डेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं, पैरल सेना बना दी ना आपने, नारायण सेना, गरुड़ सेना, महिलाओं की अलग से सेना, महिलाएँ उसको स्नान करा रही हैं, दूध से स्नान करा के उसकी खीर बना के खीर खा रहे हैं,
इससे बड़ा पाखंड हो सकता है कुछ? और दूसरी बात यह है, चलिए इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म भी करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आपसे काफ़ी जानकारी मिली, क्योंकि हम जो बात करना चाह रहे थे जैसे यात्राओं पे भी भारत की जो संस्कृति, नहीं उसमें मैं फिर अगला करूँगा, उस पर अलग से करेंगे कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है, है और पूरा दक्षिण से लेकर उत्तर तक जोड़ती है। ये यात्राएँ भारत की आत्माएँ हैं, इसीलिए अशोक सिंघल जी ने धर्म यात्रा महासंघ जब बनाया था, और इन यात्राओं को सुगम बनाने के लिए मुझे भी सौभाग्य मिला था। 40 लाख अभी इस पूर्णमासी मुड़िया पूर्णा बोलते हैं गिरिराज में, 40 लाख आदमी 7 दिन में आते हैं। इस पर हम पूरा एपिसोड करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये भी साफ करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि ये बाबा जो हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा नहीं है ये, जो जिस बाबा की हमने बात करी वो चश्मा लगाता है, पैंट पहनता है, टी शर्ट डालता है, तो सही मायने में उसका जो कार्यकलाप है वो भी बाबाओं वाले नहीं है। वो चश्मा जिस रंग का पहनता है उसमें से कह रहे हैं वो किरण आयर तुम ठीक हो गए, अरे बर्मे का पानी, नलकूप का पानी, और उसमें पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश पॉलिटिकल लोग होंगे, इसकी फॉलोइंग बताते हैं कि 70-80 लाख की होगी 15-20 जिलों में, एटा इटावा का ये जो आसपास की पूरी बेल्ट जिसको आप यादव बेल्ट है उसमें ये जाटव है, और जाटव में मायावती का मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि वो जाटव होते हुए उन्होंने इस बात को उसने खुल के बोला है। इसमें चलिए ख़त्म करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बात विषय ये भी है कि मीडिया का भी रोल है, क्योंकि मीडिया को विज्ञापन मिलते हैं इन बाबाओं से, और नेताओं का भी रोल है क्योंकि उनको जो है वोट मिलते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस की तरह कई बार काम करता है समाज के अंदर, इसको तोड़ना जरूरी है, इसके ऊपर सख्त कानून बनने चाहिए, साथ में इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही, नमस्कार।